हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा यदि क्वेश्चन में 11th क्लास के लिए यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कहे कि कॉस्ट पे निकालिए और कॉस्ट अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे। कॉस्ट का मतलब समझना 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। हालांकि वो नया नया कॉमर्स लेते हैं तो बहुत सारे टॉपिक उनका क्लियर नहीं होता है। कॉस्ट, इस पेन को मैंने खरीद के लाया 20 रुपये में और बेचूंगा 25 रुपये में। 20 रुपये का पेन है, 25 रुपये में बेचूंगा, यानी 20 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस 25। 20 का माल 25 में बेचेंगे तो 5 रुपया प्रॉफिट होगा। यानी कॉस्ट वैल्यू पर निकालने के लिए बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट दिया ही नहीं होगा। आइए देखते हैं एसके सिंह के बुक से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाएंगे। कम टू द पॉइंट। 13 क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक इन द बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग स्टॉक वर्ष में निकालना है। कैसे निकलेगा ओपनिंग स्टॉक? तो पहले, सबसे पहले स्टूडेंट्स बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, घर पे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा पाड़ लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अच्छी जानकारी दी थी। हमारी वीडियोज को दोबारा देखिएगा, फाइनल अकाउंट के नाम से, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से है जो है, तो आपको समझ में आने लगेगा। आइए आइटम चेक करते हैं कि कौन सा आइटम कैसे पुट करें। आपको क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहला आइटम होता है टू ओपनिंग स्टॉक। लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं डालेंगे, वही तो निकालना है। तो सबसे पहला आइटम होगा टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट नहीं डालेंगे। परचेज टू में जाएगा, सेल्स बाई में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बाई में जाएगा, वेजेज टू में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई वर्क नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो ऑफिस का खर्च होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का एक्सपेंस कहलाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई यूज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का वर्क नहीं होगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट पे 50% ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट पे हम लोग की बुक में दिया हुआ है सेल्स 60,000, लेकिन सेल्स का नहीं निकालना है परसेंटेज, कॉस्ट का। लेकिन कैसे होगा सर? वो बोल रहा है कॉस्ट का हम निकाल सकते हैं सेल्स का, लेकिन उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे, सारे आइटम पुट कर लोगे टू और बाई में, तो टू में एक और आइटम ग्रॉस प्रॉफिट यदि मैं आपको बता दूं तो वो भी आप डाल दोगे, तब देखना है कि कमी कितने की आ रही है, तब जाके आपका निकल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे आइटम को पुट कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट यानी बॉक्स के नीचे वर्किंग करना है इस प्रकार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जीपी बराबर यानी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर 50% ऑन कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट तो अवेलेबल है नहीं, क्वेश्चन में कॉस्ट के बजाय क्या दिया है? सेल्स। तो हम लोग लिखेंगे और, मतलब या जीपी बराबर परसेंटेज बटा में 100%+ ऑन सेल्स। हम सेल्स पे इसको बना सकते हैं, लेकिन सेल्स पे लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो परसेंटेज कितना बोला है? 50/100+50 इंटू सेल्स है 60,000। बढ़िया, यानी कि 50/100 कितना? 150 इंटू 60,000, ठीक ठाक। 50 से 150 कटेगा 3 बार में और 3 से 60 कट जाएगा 20,000 बार में। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर जीपी बराबर 20,000। बढ़िया ना, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन आराम से बन जाए। ये चीज़ दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट बॉक्स के ठीक नीचे। पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक टू में जाए, नहीं, पहला आइटम आपको लिखना है टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक।
सबसे पहला आइटम आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, वहाँ पे रकम नहीं भरना है। जब हम जोड़ेंगे तो खुद मालूम चलेगा कि कितने की कमी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला आइटम टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय में सेल्स, बाय में क्लोजिंग स्टॉक, टू वेजेज और टू में ग्रॉस प्रॉफिट। टू में ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 डाल देंगे बॉक्स में। जब जोड़ेंगे दोनों तरफ तो फर्स्ट साइड में कमी आएगा और जो कमी होगा वही कहलाएगा क्या, वही कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। जो टू में कमी होगा वही ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में जितना आपको फर्स्ट साइड में जितना कमी लग रहा होगा तो उसको आप ओपनिंग स्टॉक कहोगे, यानी ओपनिंग स्टॉक जहाँ लिखा है उतना डाल दोगे। जैसा कि आंसर शीट में दे रहा है 3,000, तो आप जोड़ोगे तो बाई साइड का जोड़ आएगा 64,000 और फर्स्ट साइड को जोड़ोगे तो 61,000। तो 3,000 का तो कमी है ना सर, तो जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखे वहाँ पे लिख देंगे 3,000। बढ़िया, अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 14 नंबर बनाने हैं, जो कि सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें लिख रहा है कि सर बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। तो बस आइटम को पुट करना, बाई में क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है लेकिन रकम नहीं भरना है। जितना घटेगा वही क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। आइटम को चेक किया जाए तो आपने आइटम में टू ओपनिंग स्टॉक, टू में सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक होता है, टू परचेज, टू वेजेज, बाय सेल्स, सही है ना। और कैरेज आउटवार्ड का वर्क नहीं होगा। कैरेज आउटवार्ड ऑफिस का खर्च है, कार्यालय का खर्च है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कारखाना, तो कैरेज आउटवार्ड का कोई वर्क नहीं होगा 3200 का। बॉक्स के नीचे लिख रहा है 25% प्रॉफिट। मैंने बोर्ड पे बनाया है 50% और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है 25%, तो बस इसको 25% पे तोड़ देना, यानी 25/100+25। और जहां मैंने रखा है 60,000 वहां पे तुम कितना रखोगे, वहां पे तुम रखोगे 1,20,000। उम्मीद करते हैं कि बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, उसमें तो बॉक्स बनाना नहीं है। 13 में और 14 में बॉक्स बनाना है, बॉक्स के नीचे ये करना है। 13 और 14 में बॉक्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना कर तब ये वर्किंग करना है। जो वर्किंग आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट तो बॉक्स में डाल देना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ वर्किंग करना है, नहीं बनाना है क्या? आपको नहीं बनाना है वो ट्रेडिंग अकाउंट, यानी बॉक्स नहीं बनाना है। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। सेल्स दिया है 1,02,000 और रिटर्न है आपका 2,000। तो सबसे पहला काम करना, सबसे पहले लिखना नेट सेल्स बराबर 1,02,000 माइनस 2,000 बराबर 1,00,000। 1,02,000 माइनस 2,000 बराबर कितना, 1,00,000। बढ़िया, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद लिख रहा है प्रॉफिट 25%, तो बस इसको 25% पे तोड़ देना। और जहाँ पे मैंने लिखा है 60,000 वहाँ पे तुम लिखना 1,00,000, तो बड़े आराम से बन जाएगा। ध्यान रखना होगा 7 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करना है, बॉक्स नहीं बनाना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 13 में और 14 में। 13-14 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर तब ये वर्किंग करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ वर्किंग दिखाना है। उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी अच्छी तरह सफल हो जाएंगे और बना लेंगे। तो आज आपने सीखा कॉस्ट पे कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें शेयर करें, कमेंट करें, हमारे नंबर पे कॉल करें। लेकिन आप इस कोरोना वायरस में भी एकदम बेहतर पढ़ें। आप जुड़ रहे हैं पंकज सर से, तो उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कॉमर्स में नहीं होगी। यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।